हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वक्त मैं गुड़गांव की बसई चौक पे द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से आप लोगों को ये वीडियो, ये नजारा दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बिकॉज ये इतना शानदार रोड बनाया है, मैं तो अभी नीचे से आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। बिकॉज ऊपर अभी तक अलाउ नहीं किया है, कुछ कुछ एरिया के अंदर अलाउ किया है, कुछ कुछ एरिया में अलाउ नहीं है। बिकॉज अभी भी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अभी नीचे ट्रैफिक को चलने के लिए इजाजत दे दिया है, सेम थिंग ऊपर अभी भी अलाउ नहीं किया है। सो मेरे हिसाब से ये जब एक बार बन के तैयार हो जाएगा पूरा कंप्लीट, दिल्ली गुड़गांव जो एक्सप्रेस वे है, जिसके नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे, कम्प्लीट जब हो जाएगा उसके बाद मजा आएगा इसमें। इस एक्सप्रेस वे बनने से न सिर्फ गुड़गांव और दिल्ली के बीच सफर आसान होगा, बल्कि इससे जो प्रॉपर्टी मार्केट में भी खासी बढ़ोतरी होगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, चारों तरफ टाउनशिप बने हैं। इस टाउनशिप के अंदर नॉट ओनली रेसिडेंशियल है, इसके अंदर कमर्शियल भी है, स्कूल्स है, होटल्स है। सो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं इस रोड, इस एक्सप्रेस वे को कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसका निर्माण दिल्ली में भीड़ कम करने की योजना के तहत 9000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये द्वारका एक्सप्रेसवे में पूरी तरह से ऑटोमेटेड टोलिंग सिस्टम होगा और पूरा प्रोजेक्ट एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लैस होगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन की सर्विस रोड भी बनाए जा रही है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे NH8 पर शिवमूर्ति के पास से शुरू होता है और NH8 पर ही खिड़की डोला टोल प्लाजा के पास समाप्त होता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर की है। इसमें से 18.9 किलोमीटर के हिस्सा हरियाणा के गुड़गांव में पड़ता है एंड रिमेनिंग 10.1 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है। ये एक्सप्रेसवे जय कुमार और LNT द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसमें करीब 20 प्लस फ्लाईओवर, 2 रेल ओवरब्रिज और 20 अंडरग्राउंड पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाया गया है। इसके अलावा 2.5 मीटर चौड़ा साइकिल और बाइकर्स के लिए भी रोड बनाया गया है। इस एक्सप्रेस वे को 4 भागों में बनाया जा रहा है। 2 भाग दिल्ली में है और 2 पार्ट गुड़गांव के अंदर। गुड़गांव के अंदर 18.9 किलोमीटर सिंगल पिलर पर 34 मीटर चौड़ा और दिल्ली में 10 किलोमीटर लंबाई का ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। अगर सर्विस रोड को भी जोड़ा जाए तो एक्सप्रेसवे पे 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे का रोड नेटवर्क 4 लेवल का है, टनल, अंडरपास, ग्रेड रोड, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। इस एक्सप्रेसवे की दोनों तरफ 3 लेन की सर्विस रोड भी बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली में देश की सबसे
चौड़ी 3.6 किलोमीटर लंबाई 8-लेन टनल भी बनाए जा रहे हैं। इससे गुड़गांव और दिल्ली की लोगों की IGI एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी होगी। NH8 पर 50-60% ट्रैफिक को नई एक्सप्रेस की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। इससे सोना रोड गोल्फ कोर्स रोड की ट्रैफिक में काफी इम्प्रूव भी होगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेस वे के चालू होने के बाद दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन को भी कम करने के भी मदद मिलेगी। अगर एक्सप्रेसवे के काम की बात करें, गुड़गांव की दोनों भागों का काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि दिल्ली में भी लगभग 65-70% काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से दिल्ली से गुरुग्राम तक की सफर केवल चंद मिनटों में पूरा हो सकता है। ये 16 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है। इसमें दोनों तरफ मिनिमम 3 लेन सर्विस रोड की भी प्रावधान रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद NH8 के ऊपर जो ट्रैफिक का अभी हाल है, जो ट्रैफिक का लोड है, आधे के आधे हो जाएंगे। बिकॉज ये जो एक्सप्रेसवे अभी बना है, ये एक तरीके से आप ये भी बता सकते हैं NH8 के बाईपास की तरह यूज हो सकता है। आप ये देखिए, शिवमूर्ति चौक से आप उस एक्सप्रेसवे में चढ़ेंगे, द्वारका होते हुए आप फिरकीदोला टोल प्लाजा के पास कनेक्ट हो जाएंगे फिर से इसी NH8 पे। ओके फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर जल्दी मिलता हूँ एक नई जगह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज दीजिए इजाजत। थैंक यू, बाय बाय।